हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल परी चौधरी ब्लॉग्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक न्यू मिठाई की रेसिपी, जिसके लिए हमने दूध लिया है। दूध हमने 1 केजी से थोड़ा कम लिया है। इसको हम एक पैन में डालकर रबड़ी बनाने के लिए गर्म करेंगे। एक पैन को हमने गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध को। दूध को चलाते हैं, चलाएंगे हम इसलिए ताकि तले में नहीं लगे। और जिस तरह से हम ये मिठाई बना रहे हैं, इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ज़रूर बनाना। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। दूध गर्म होना शुरू हो चुका है। इसे बार बार चलाते रहेंगे ताकि तले में नहीं लगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम एक कटोरी लेंगे। कटोरी में डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हम 2 चम्मच ले रहे हैं। इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध डालकर हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से घोल बनाकर तैयार करना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमें घोल बनाकर तैयार करना है। दूध में आ चुका है उबाल। गैस को धीमी करेंगे। गैस को धीमी करने के बाद अब हम इसमें जो हमने घोल बनाकर तैयार किया है कस्टर्ड पाउडर का, उसे धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसे सारे को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। और लगातार चलाकर हमें इसकी रबड़ी बनानी है, थोड़ा गाढ़ा करना है। उबाल आने तक हम इसे और पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हमने 1 चम्मच ली है। आप स्वाद अनुसार अपने चीनी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, जैसा भी आप मीठा पसंद करते हो वैसा मीठा आप डाल सकते हो। इसको अच्छी तरह से घोलेंगे और उबाल आने तक इसे पकने देंगे। दूध को हम रबड़ी की तरह बनाएंगे। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा उबाल लाएंगे और उसके बाद हम गैस से हटा देंगे। अब लेंगे हम ब्रेड। ये मिठाई हम ब्रेड से बना रहे हैं। ब्रेड को हम टुकड़ों में काटेंगे। ब्रेड हम इस तरह से चौकोर चौकोर टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारी ब्रेड हमें इसी तरह से काट कर तैयार करनी है। इस तरह से बनाई हुई मिठाई बहुत टेस्टी लगती है खाने में। बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें ये सारे पीस काटने हैं। सारे पीस कट चुके हैं। अब हम एक पैन में करेंगे तेल गरम। पैन में हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी ले सकते हो। इस मिठाई में आप सरसों का तेल इस्तेमाल मत करना, सरसों के तेल से इसका टेस्ट ख़राब होता है, इसलिए आप रिफाइंड ऑयल लेना या देसी घी लेना। अब हम इसको एक एक करके तलेंगे। जितने हमारे ऑयल में आ जाएं हम उतने डालकर इनको फ्राई करेंगे। पलटेंगे, पलट पलट कर हम इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे दूसरी साइड से भी पलटेंगे। दोनों तरफ से अलट पलट कर हमें इसे भूनना है। गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। अब इनको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। इस तरह से हम अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
इसी तरह से हम सारे ब्रेड तलकर तैयार करेंगे। इन्हें भी हम डाल देते हैं। ब्रेड सारे तल चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बना रहे हैं मिठाई। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से लगाकर, हम इस पे लगाएंगे रबड़ी, जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार करी है। सारे में अच्छी तरह से फैला फैला कर लगानी है। अच्छी तरह से फैलाएंगे और इस पे हम छिड़केंगे थोड़े थोड़े बारीक बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स भी हमने लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर से एक एक स्लाइस और रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिठाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये मिठाई बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। बच्चे बड़े सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करना इस मिठाई को। जब भी आपका मन करे आप बनाकर घर पर आराम से खा सकते हो। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ज़्यादा सामान से नहीं बनती है। सिर्फ थोड़ा सा दूध चाहिए और सिर्फ ब्रेड, इससे ये बनकर तैयार हो जाती है। और बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में जब भी मीठा खाने का मन होता है मैं इस मिठाई को ज़रूर बनाती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो हमारे यहाँ आप तक पहुँच सके। और कॉमेंट में बताना कि आपको हमारे इस मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।